Won't you come over here? I need to ask you something quickly, my dear. हेलो, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? मेरी दुनिया की झलक में आप सबका स्वागत है। आज एकादशी है तो मैं ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए ये रसगुल्ले को रस मलाई में कन्वर्ट कर रही हूँ। कल ना मुझे बहुत सारे ऑर्डर्स थे, वो कंप्लीट करके मैं इतनी थक गई हूँ ना रात में कि अब दूसरे दिन मुझे आज कुछ बनाने का मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन अब आज एकादशी भी है, ठाकुर जी को भोग लगाना है, और जो है ना मेरे सासू जी की तिथि भी है तो उनको उनकी भी मैं पूजा करूँगी, उन्हें भी मैं भोग लगाऊँगी। तो बस तो मैंने सोचा कि आज ऐसे ही करती हूँ कि रसगुल्ले का डब्बा लेकर आकर ये रसगुल्ले मैंने सारे दूध में डालकर रस मलाई बना देती हूँ। आप कभी है ना ये ट्राई करके देखिएगा, बहुत टेस्टी लगते हैं ये। जब हम रसमलाई ओरिजिनल वाली लाते हैं ना उससे भी ज़्यादा अच्छी लगती है। ये मैंने 1 लीटर दूध में केसर, इलायची और पिस्ता डालकर गर्म कर दिया था दूध को, और अब ये सारे रसगुल्ले मैं दूध में ट्रांसफ़र कर दूँगी। गर्म दूध में ही करिए ताकि क्या ना अंदर तक पूरा सोख कर लेगा दूध और बहुत टेस्टी बनेगा ये। और ये साबुदाने भी मैंने भिगा दिए, इसकी मैं खिचड़ी या फिर वड़े देखती हूँ कुछ बना दूँगी। और ये साबुदाने की खीर बनाकर ना आप इस रसमलाई में भी मिक्स करोगे ना तो ये भी बहुत एक अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है। आप कभी ट्राई करके ज़रूर देखना। मैं पूजा वगैरह मैंने कर ली, श्रृंगार कर लिया है, भोग लगाऊंगी और फिर मैं आपसे कल मिलती हूँ। नेक्स्ट डे है मॉर्निंग। सुबह सुबह ना घर में थोड़ी थोड़ी धूप आ रही है अच्छी। अभी ना मौसम चेंज हो गया है, बारिश होने की वजह से ना धूप कम आ रही है, बादल बादल रहते हैं। तो ये जो मनी प्लांट है ना मैंने इस तरफ सामने की साइड में इन्हें रखा है ताकि डायरेक्ट सनलाइट मिल सके इनको। तो जिसमें अभी मुझे मिट्टी सूखी लग रही थी तो मैंने थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डाल दिया है, क्योंकि अभी प्लांट ना एकदम छोटे हैं, इसमें ज़्यादा केयर करना पड़ता है मुझे। आज जामुन लेकर आए थे ये भोग लगाने के लिए, जामुन का भोग लगाऊंगी ठाकुर जी को। सीजनल फ्रूट्स का मज़ा ही कुछ अलग है, और इतने दिखने में इतने छोटे हैं ये जामुन लेकिन मीठे बहुत हैं। फ्रिज में मलाई भी जमा हो गई थी तो मैंने मलाई का माखन बना दिया है, और माखन का भी आज भोग लगा दूंगी मेरे बालकृष्ण लाल जी को, मज़ा ही आ जाएगा उनको। तो देखिए इसके खेल शुरू हो गए, इसको अभी खेलना है। शाम के टाइम पर हम लोग ऐसे ही बैठे थे तो ये आ जाता है हमारे पास में, और इसे बस बॉल से खेलना रहता है या फिर इसे ऐसे रहता है कि हम लोग इसके साथ कुछ मस्ती करें। Why do you always settle for something less? आपको याद है ना मैंने ये बताया था आपको कि मैं आईके से ये फ्रेम्स लेकर आई थी, तो आज मैं इसी फ्रेम में ना एक बहुत ही खास चीज़ लगाने वाली हूँ। आप भी देखिए मैं क्या लगा रही हूँ। See a little clearer. Who's that woman looking right back?
should be fighting over you. No second guessing what I'm saying. Baby, you can take this to the bank and make us wait. ये देखिए मेरी बेटी को ना सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस का अवार्ड मिला उसकी कंपनी से। आज ना पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा था, लेकिन घर का पिज़्ज़ा अच्छा लगता है हम लोगों को, तो हम लोग पिज़्ज़ा बेस बाहर से लेकर आ गए थे सुपर मार्केट से, और फिर अब मैं घर पर ही पिज़्ज़ा बनाऊँगी अपने ओवन में अपने मनपसंद वेजेस डालकर। ये ना चीज़ का पैकेट मैं अपने फ्रीज़र में रखती हूँ। एक्चुअली मेरी छोटी वाली जो बेटी है ना, उसे ये सब जंक खाने का बड़ा शौक है, लेकिन मैं बाहर का उसे ज़्यादा नहीं खिलाती हूँ, मैं उसे जो भी चाहिए घर पर बना कर ही दे देती हूँ। इसलिए ये सारी चीज़ें मैं अपने घर पे स्टॉक में रखती हूँ, पर फ़िलहाल वो अभी हॉस्टल में है तो बस ये सब हम ही खा कर मज़े ले रहे हैं। इसकी मैंने ओवन को प्री हीट कर दिया है, तो अब मैं इसे बेक करने के लिए रख दूंगी। ये दूसरा वाला पिज़्ज़ा बेस भी मैंने, एक्चुअली मैं पहले से थोड़ा सा इसे तवे पर मैंने सेक लिया दोनों साइड से, ताकि ये थोड़ा कच्चा नहीं रहे, दोनों साइड से अच्छे से सीख जाए। और अब मैं इस पर सॉस वगैरह लगा के एक और पिज़्ज़ा रेडी कर दूँगी। ये सॉस ना आप बहुत इजीली घर पे बना सकते हो, इसके लिए आपको कुछ मार्केट का सॉस लाने की ज़रूरत नहीं है। जो टमाटो केचप होता है हमारे घर में, केचप में ही मैंने रेड चिली पाउडर, चिली फ्लेक्स और मिक्स हर्ब्स एंड चिली सॉस, ये सब मैंने मिक्स कर दिया है पूरा, और ये एक सॉस रेडी हो गया है इसका। तो बस आप भी इसी तरह से कीजिए, कोई स्पेशल सॉस लाने की ज़रूरत नहीं होती है इसके लिए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक बटन तो बनता ही है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पिज़्ज़ा रेडी हो गया, मैं ना जब 20 सेकंड बाकी रहेंगे ना तब मैं इसे स्टॉप कर दूंगी, ताकि मुझे फिर से दूसरा पिज़्ज़ा बेक करने के लिए प्रीहीट नहीं करना पड़े ओवन को। मैं वहीं से डायल को घुमाकर इसका टाइमिंग बढ़ा दूंगी, 6 मिनट्स कर दूंगी। Pardon me, why don't you come over here? I need to ask you something quickly, my dear. Why do you always settle for something less?
पिज़्ज़ा खा लिया, वेगस ने अपना खाना खा लिया, सब कुछ डन है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक बटन ज़रूर दीजिए। मिलूंगी अगले वीडियो में। बाय बाय। जय श्री कृष्णा।